आज से संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। सत्र के पहले दिन ही उत्तराखंड के मसले पर जोरदार हंगामा हुआ। राज्यसभा और लोकसभा में कांग्रेस ने इस मुद्दे को जोरों से उठाया। संसद में मचे इस घमासान में कांग्रेस को विपक्ष का साथ मिला और भारी हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित हुई। देखिए एक रिपोर्ट। जैसा कि उम्मीद जताई जा रही थी, बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत बिल्कुल वैसे ही हंगामेदार हुई। उत्तराखंड के मसले पर खफा विपक्ष सरकार के खिलाफ लामबंद हो गया। दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ। राज्यसभा में उत्तराखंड के मुद्दे पर बहस की मांग करते हुए कांग्रेस के सदस्य वेल में उतर आए और लोकतंत्र के हत्यारों शर्म करो जैसे नारे भी लगाए। राज्यसभा में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने सरकार को घेरते हुए कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराया गया है। किस तरह से एक चुनी हुई सरकार अरुणाचल प्रदेश में गिराई गई, किस तरह से स्पीकर को कुछ एमएलए एक रेस्टोरेंट में मिलकर वहां विधानसभा बनाई गई रेस्टोरेंट में और स्पीकर को हटाया गया, ये इस तरह की घटनाएं और तब तक केंद्रीय सरकार ने सांस नहीं लिया जब तक अपनी सरकार वहां स्थापित नहीं की तब तक वो पीछे हटे नहीं। आजाद के जवाब में राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मामला कोर्ट में होने का हवाला दिया और कहा कि विपक्ष सरकार को काम करते हुए नहीं देख सकता, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। गवर्नर इस रोल पर कोई डिस्कशन करना है तो उसके लिए क्वेश्चन आवर इज फॉर क्वेश्चंस ओनली। जो इशू सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में ऑलरेडी उसकी सुनवाई हो रही है उसमें डिस्कस नहीं हो सकता सर, इसलिए क्वेश्चन आवर चलने दिया जाए, उसके अलावा कोई और इशू नहीं होगा। इनका काम रोको प्रस्ताव है, हमारा काम करो प्रस्ताव है, तो सारा हाउस चाहता है कि काम होना चाहिए, ये चाहते हैं काम नहीं होना चाहिए। हंगामे की ये तस्वीरें लोकसभा में भी देखने को मिली, जहां कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे विरोध जताते हुए स्पीकर की टेबल तक पहुंच गए। गुस्साए खड़गे सरकार पर खूब बरसे। उन्होंने कहा कि सरकार गैर बीजेपी राज्यों को जानबूझकर निशाना बना रही है, ऐसे तो देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा। Democratically elected government in Uttarakhand, Arunachal and everywhere. They want to destabilize. I am talking about the action of the government. खड़गे के आरोपों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे कांग्रेस के आंतरिक कलह का नतीजा बताया, जिसके बाद लोकसभा में भारी हंगामा हो गया और संसद की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ गई। जी हाँ, तो बजट सत्र पार्ट टू के पहले दिन उत्तराखंड के मुद्दे पर हंगामा खूब बरपा। आरोप प्रत्यारोप के बीच कई बार सदन की कार्यवाही रोकनी पड़ी। पहले दिन ही विपक्ष ने अपने तेवरों से साफ कर दिया है कि सरकार के लिए अहम बिलों को पास कराने की डगर आसान नहीं होने वाली। देखते रहिए जीबी लाइव।